ठीक है, आलू 15 का है जी, ठीक है ये 2 किलो दे दो, ठीक है और क्या चाहिए जी, टमाटर, टमाटर 20 का है जी, 1 किलो दे दो, ठीक है और क्या चाहिए, प्याज कितने का, थोड़ा सा पानी दीजिए जी, आइए 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 ना, आइए 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 ना, बैठिए ये जो भी होगा घर के बाहर, पापा ये तो खांसी आई है, खांसी आई है, पानी पिलाना है, जो भी करना है घर के बाहर, लेकिन पापा बाहर जाओ, ठीक है सर जी, शुक्रिया सर जी, कोई बात नहीं, ये आपके साथ, ये आपके पैसे, एक मिनट वो गिलास घर के बाहर फेंक कर आओ, लेकिन क्यों, फेंक कर आओ और रुको, हो सके तो नहा लेना, अरे अरे क्या हुआ बेटा, पापा नौकरी लग गई है, नौकरी तुम्हारी नौकरी लग गई, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, अगर आज तुम्हारी मम्मी जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती, लेकिन कोई नहीं मैं पूरे मोहल्ले को बोल कहता हूँ मेरे बेटे को नौकरी लगा है, मेरे अब्बा, हाँ बेटा मेरी नौकरी अमेरिका में लगी, अमेरिका, अमेरिका मतलब हम अमेरिका जाएंगे, हम नहीं पापा, सिर्फ मैं, मतलब पापा एक्चुअली वो जगह मेरे लिए नहीं है ना, तो वहाँ सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मुझे 1.5 महीना दो, 1.5 महीने बाद मैं आपको लेने आ जाऊंगा, 1.5 महीने, हाँ पापा, लेकिन मैं तो अकेला हो जाऊंगा रे, अरे पापा उसकी आप चिंता मत करो, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी जगह देखी है, वो है ना रेमेडी ओल्ड एज होम, आप वहाँ रहेंगे, हाँ पापा, एक लड़की को नौकरी लगा, 1.5 महीने, हाँ पापा 1.5 महीने रह लूंगा, लड़की को नौकरी लगा है, कोई नहीं रह लूंगा, 1.5 महीने रह लूंगा, पापा आप यहाँ रहो, यहाँ ठीक है पापा मैं आता हूँ, 1.5 महीने ना, ध्यान से जाना बेटा, और याद से 1 महीने बाद लेके जाना, लेके जाना बेटा, क्या हुआ भैया इतने दुखी क्यों हो, 1 महीने की तो बात है, आपको कैसे पता कि मैं 1 महीने बाद चला जाऊंगा, ये एक ऐसा जगह है भैया जहाँ पर सब 1 महीने के लिए आता है, परंतु ये 1 महीना कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, मतलब अरे अरे भैया वो सब छोड़िए, चलिए नाश्ते का वक्त हो गया, हम लोग नाश्ता करके आते हैं, चलिए तो भैया आपके घर में कौन कौन है, मेरे घर में, हाँ मेरे घर में मैं हूँ, करते हैं आप कोई पागल है क्या, वो कोई खाता है, हमारे पास हम लोग
लेकर खा लेंगे। अरे शुक्रिया। अरे बातों बातों में तो मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया। मेरा नाम, मेरा, अरे भैया रुकिए, मेरा ना नमाज पढ़ने का समय हो गया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ भैया, आप मेरे नाम पूछ रहे थे ना, मेरा नाम है शेख मंसूर अली। हाँ, अरे अरे भैया चलिए, त्योहार का वक्त हो गया, आइए। त्योहार? कौन सा त्योहार? क्यों, आज लोहड़ी है ना, चलिए हम लोग लोहड़ी में जाते हैं। लेकिन लेकिन आप तो मुस्लिम हो, आप लोहड़ी क्यों मनाएंगे? हाँ मुस्लिम हूँ, मुस्लिम हूँ तो क्या हुआ, ये एक ऐसा जगह है भैया जहाँ पर ना कोई है हिंदू ना कोई है मुस्लिम, यहाँ पर कोई जात पात नहीं है। आप भी एक बेटे के बाप हो और मैं भी एक बेटे का बाप हूँ। क्यों आप लोग दिवाली में आली क्रैकर से क्रैकर नहीं खरीदते क्या? और क्या हम हमारे ईद के सिवा ही आपके गुप्ता स्वीट मार्ट से नहीं खरीदते? यहाँ पर कोई जात धर्म नहीं है भैया, एक ही धर्म है, वो है पंडित जी मानव धर्म, मानव धर्म। सही बोले हो भैया, सही बोले हो। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता, सिर्फ एक जात, मानव जात। सही बोले हो। आइए आइए हम सब मिलके आज मनाते हैं लोहड़ी। आइए थैंक यू।